फर्जी ईमेल भेजकर लूटने वाले जालसाज अब रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। फर्जी ईमेल के जरिए ये आपको करोड़ों रुपए इनाम जीतने का लालच देते हैं। अगर आप इनके चक्कर में फंसते हैं तो जिंदगी भर की कमाई से हाथ धो सकते हैं। अगर आपको भी किसी अनजाने आईडी से इनाम जीतने के मेल आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए। फर्जी मेल भेजकर लोगों की किस्मत बदलने का दावा करने वाले तमाम ऐसे गैंग फर्जीवाड़े में शामिल है। जालसाजी करने वालों की हिम्मत अब इतनी बढ़ गई है कि वो रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और कॉमनवेल्थ का नाम जोड़कर लोगों को झूठे मेल भेज रहे हैं, जिसमें ग्राहकों से इनाम के बदले कमीशन या फिर इनाम डिस्पैच करने का खर्च मांगा जाता है। जैसे 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीतने का मेल भेजकर लोगों से इनाम दिलाने के बदले 1 लाख रुपए तक कमीशन मांगा जाता है। हाल के कुछ दिनों से रिजर्व बैंक के पास रोजाना ऐसी शिकायतें आ रही है। लोगों को लूटने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने जागरूकता बढ़ाने की कोशिश शुरू की है। रिजर्व बैंक ने इस बारे में काफ़ी कदम उठाए हैं। हमने पब्लिक को जागरूक करने के लिए अखबारों में, मीडिया में इस बारे में सूचनाएं दी हैं। हमने बैंकों को भी काफ़ी सर्कुलर निकाले हैं और कहा है कि ऐसी इन चीज़ों से सावधान रहना है। यदि ऐसी कोई बात आती है तो वैसे भी ये फेमा 1999 जो एक्ट है उसके तहत गैरकानूनी है। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर फर्जी ईमेल विदेशी कंपनियों या विदेशी नामों से भेजे जाते हैं। पेपैल, एवर डिपार्टमेंट ऑफिस यूके, बीएमडब्ल्यू लैंड लॉटरी, पैसिफिक कुरियर इंटरनेशनल, एनालोटो, यूनाइटेड किंगडम लॉटरी, विलियम डेजा जैसे नामों से ज्यादातर मेल आते हैं। कई बार फ्रॉड करने वाले बैंक की जानकारी भी मांगते हैं। ऐसे में लोगों को सलाह है कि वो बिना जांच पड़ताल किए किसी भी तरह की जानकारी मेल पर न दे। उन्होंने कहा कि आरबीआई की तरफ से है, तो आरबीआई का एड्रेस आप गूगल में जाके पता कर सकते हैं या rbi.org अगर आपको पता है ऑलरेडी। आप उस दरवाजे से अगर जाएंगे तो सीधी मेन कंपनी में आप पहुंच जाएंगे। वहां से अगर आपको कुछ मिलता है तो वो सही है, वरना ये सब गलत है। रिजर्व बैंक ऐसी धोखाधड़ियों को रोकने के लिए बैंकों को भी सचेत कर रहा है। बैंकों से कहा जा रहा है कि किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करते समय ठीक से जांच पड़ताल करें। पैसे को पैसा खींचता है, ज्यादा पैसे की लालच में आप अपनी मेहनत की कमाई भी गंवा सकते हैं। इसलिए जरूरी है ईमेल और एसएमएस पर यदि आपसे कोई पैसे की जानकारी मांगता है तो पूरी तरह छानबीन किए बगैर कोई भी कदम न उठाए। अमोल देठे, जी बिजनेस, मुंबई।